हेलो दोस्तों, पैसा कमाना ही नहीं उसका सही उपयोग करना भी सफलता का एक हिस्सा है, ऐसा कहना है गोदरेज कंपनी के मालिक आदि गोदरेज का, जिन्होंने अपने दम पे गोदरेज कंपनी को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके अनुसार पैसा कमाने के साथ उसका सही प्रयोग ही सफलता है। उनका कहना है हमें दिखावे के लिए खर्च नहीं करना चाहिए, केवल जरूरी चीजों पर ही खर्च करना चाहिए। आदि गोदरेज एक अरबपति हैं, लेकिन उन्हें फिजूल के खर्चों से सख्त नफरत है। वे फिजूल खर्चे को कमाई के घड़े में छेद मानते हैं। वे अपने बच्चों द्वारा किए गए खर्चों का भी हिसाब लेते हैं। आदि गोदरेज का कहना है बड़े बनने के सपने साकार करने के लिए मेहनत करने वाले को एक आम इंसान की तरह होना चाहिए। आज आदि गोदरेज गोदरेज कंपनी के सीईओ हैं और उन्होंने गोदरेज कंपनी को इस ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है कि लोग उनके प्रोडक्ट पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। आदि गोदरेज का जन्म 3 अप्रैल 1942 को एक सामान्य व्यवसायी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम बुरजोरजी गोदरेज और माता का नाम जय गोदरेज है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से की, लेकिन आगे की स्टडी के लिए वे विदेश चले गए। उन्होंने वहां से बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौट आए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपने फैमिली बिजनेस से ही की। आदि गोदरेज ने जब यह कंपनी ज्वाइन की तब यह केवल गोदरेज ताले और गोदरेज साबुन का ही निर्माण करती थी। आदि गोदरेज ने कंपनी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले कंपनी के विस्तार को बढ़ाया और प्रोडक्ट्स में भी चेंजेस किए। जब आदि गोदरेज ने इस कंपनी की कमान संभाली तो कंपनी की ग्रोथ बढ़ने लगी। आदि गोदरेज की कड़ी मेहनत और लगन के कारण आज गोदरेज ग्रुप कई सामानों का निर्माण करती है। आज के समय में गोदरेज कंपनी घरेलू उत्पाद जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, फर्नीचर आदि उत्पादों का निर्माण करती है। आज गोदरेज कंपनी के प्रोडक्ट विदेशों में भी खूब बिक रहे हैं। लगभग 50 से भी अधिक देशों में गोदरेज कंपनी के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। आदि गोदरेज ने केवल कंपनी पर ही नहीं बल्कि पर्यावरण पर भी ध्यान दिया। उन्होंने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए मुंबई में पर्यावरण भी करवाया। आदि गोदरेज को 2002 में राजीव गांधी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनका कहना है कि बिजनेस में सफलता पाने के लिए ग्राहकों का विश्वास जीतना सबसे जरूरी है। दोस्तों, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करें हमें ये सफलता की कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी ही नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा जीके चैनल और साथ में बने नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, जिससे आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाएं। तो सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।